हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा करारा नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे बिना आलू बिना बेसन के। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और चटपटी होने के साथ साथ हम इसे बनाएंगे 2 बूंद तेल में, तो बहुत ज्यादा हेल्दी भी होगी। और ये रेसिपी खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीजों से, जिसे बनाकर आप सभी का प्यार और दिल जीत सकते हैं। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी सेमोलिना, जिसको सूजी भी बोलते हैं, रवा भी बोलते हैं। आपकी तरफ इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है, अगर आपके पास मोटी वाली हो तो भी उससे बन जाएगा, कोई बात नहीं है, आपके पास जो हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से 50 ग्राम है। नाप में 1 कप या कटोरी से आप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं लेना है। उसके अंदर हम अपनी सूजी को ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से। और अब हमने जितनी सूजी ली है उतना हमें लेना है पोहा, जिसको चूरा ही बोलते हैं। यहाँ पे मैं पतला वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो मोटा वाला भी ले सकते हैं। तो जितनी आपकी सूजी हो उतना ही आप सेम पोहे का मात्रा रखिए। तो चलिए इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसका हम एक फाइन सा पाउडर बनाएंगे। तो चलिए इसका पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। डियर, पानी भी नहीं डालना है, ना ही नमक डालना है, ना ही कोई चीज डालनी, सिर्फ इसका हमें पाउडर बनाना है। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने इसका पाउडर बना लिया है, आपको करीब से दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका पाउडर बन जाता है। इस तरह से आपको भी पाउडर बनाना है। अगर आपको लगे कि आपका पाउडर बहुत ज्यादा मोटा है, इस तरह से दरदरा बनता है, बिल्कुल फाइन तो नहीं बनता है, मैदे की तरह हल्का सा मोटा मोटा सा बनता है, क्योंकि हमने इसमें पोहा और सूजी को बारीक किया है। अब एक बड़े साइज के बर्तन में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर आपका मोटा लगे तो आप इसको छान कर ट्रांसफर करना, मेरा मोटा नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही आराम से इसके अंदर ट्रांसफर कर दे रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को डाल सकते हैं, जितना आप लोग नमक पसंद करते हैं उतना डालना, ज्यादा नमक मत डालना। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक अजवाइन डालेंगे, जिसको हम इस तरह से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा इस रेसिपी में। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक देसी घी, अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसकी जगह पे बटर डाल देना, या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें सरसों का तेल मत डालना। तो यहाँ पे जो हमने घी डाला है वो हमारा रूम टेम्परेचर का था, ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म करके डालना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें लेंगे गर्म पानी। तो देखिए पानी में से भाप निकल ली है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गुनगुना है। और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल ले तो आप चम्मच की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो गर्म पानी से जब इसको आटा लगाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया आटा लगेगा। तो देखिए 1 कप पानी डाला है, बस इतना ही पानी आपको लगेगा। अगर आपको ज्यादा लगे तो आप थोड़ा सा और गर्म करके डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी मत डालना। तो अब हम इसको अच्छे से मसलते हुए इसको डो के फॉर्म में लेके आएंगे, यानी जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरीके से गूंदेंगे। यहाँ पे हल्के हाथों से काम करना है, बहुत ज्यादा टाइट हाथों से आटे को नहीं गूंदना है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने गोल लिया है, क्योंकि ये सूजी है जिसको हमने बारीक करके लिया है, यानी पाउडर बना के लिया है। तो इसको हम बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे, हल्का सा गीला रखेंगे। तो अभी आपको लग रहा है ये थोड़ा सा लूज है, लेकिन जब आप इसको रेस्ट पे रखेंगे तो ये हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो 2 मिनट का टाइम देंगे, कवर करके रख देंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से फूल जाए। तो चलिए इसको 2 मिनट रख देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन लिया है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तक आपका पैन गर्म ना हो आप कुछ भी नहीं डालना, और जब आपका पैन गर्म हो जाएगा तब आप सबसे पहले क्या डालना, मूंगफली। तो 3 चम्मच मूंगफली ली है हमने। तो यहाँ पे हम मूंगफली को धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने मूंगफली को धीमी धीमी आंच पर भून लिया है, बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर आना चाहिए, बहुत ज्यादा काला नहीं करना है। अब इसमें हम 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप लोग 1 डालना, जो लोग मेरी तरह स्पाइसी खाते हैं वो 2 डाल सकते हैं। अब इसमें हम 5 कलियां लहसुन की डालेंगे, अगर आप लहसुन भी नहीं खाते तो आप इसको भी हटा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी लीव, यानी कड़ी पत्ते, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं। ये हम 10 से 15 डालेंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल कर आएगा भूनने से। अब इसको हम धीमी धीमी आग पर सारी चीजों को भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक साबुत जीरा, और जीरे को हमें जलाना नहीं है, इसीलिए आप जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि आपके मसाले जले ना। और यहाँ पे हम धीमी धीमी आंच पर वापस से 10 से 15 सेकंड भूनेंगे। अब 1 चम्मच बड़ी वाली भरकर जाएगा इसके अंदर सौंफ, जो खाने वाली होती है, इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है रेसिपी में। और यहाँ पे सौंफ का जो टेस्ट होता है वो आपको खाने के बाद महसूस होता है, और पेट के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। तो सौंफ जरूर डालना, सिर्फ 1 चम्मच डालना, ज्यादा मत डालना।
और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चुटकी भर डालेंगे हींग। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जो हींग आती है हल्की सी दरदरी वो डाल ली, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें अच्छे से भुन चुकी हैं, अब इसको हम निकाल कर ठंडा करेंगे। तो चलिए इसको निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से ट्रांसफर कर लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से जब ठंडा हो गया है तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आपको भी ठंडा करके इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको फटाफट ट्रांसफर करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये गया हमारा हाफ टी स्पून से कम नमक, चौथाई चम्मच नमक डालना है, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है। एक चम्मच भरकर हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं, या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, या फिर आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चाट मसाला डालने से काफी चटपटा बनेगा। और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसको हम कवर करके अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको डियर। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पीस लिया है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला था, 3 से 4 चम्मच। अब मैं इसको फटाफट एक बर्तन में ट्रांसफर करूंगी। आप इस चटनी को 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, कैसे अभी आपको बताते हैं। तो चलिए फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड मेरी आंख थी उसमें थोड़ी सी मिर्च चली गई है, तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है, उसमें मैं क्या लगाऊं आंख का मामला है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आंखें मेरी बहुत ज्यादा जल रही हैं। तो फ्रेंड अब मैं इस पर तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा तेल गरम करके लेके आती हूँ, फिर आपके सामने ही इसको तड़का लगाऊंगी। तो फ्रेंड एक चम्मच मैंने तेल को गरम कर लिया अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी राई यानी सरसों के दाने, और इस तरह से बहुत चटकते हैं, उसमें करी पत्ता डाल देंगे और इनको हम अच्छे से चटका लेंगे। तो हींग मैंने पहले डाल दी, अगर आपने हींग ना डाली है तो आप इसमें 2 चुटकी हींग भी डाल सकते हैं। और देखिए जब सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से चटक जाएगी तो गर्मा गर्म हम इस तड़के को इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए तड़का लगने के बाद इस तरीके से छन छन की आवाज आनी चाहिए और बबल पड़ने चाहिए, ये देखिए। अब मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ चटनी का, ये लीजिए देखिए कितनी बेहतरीन हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। और जिस नाश्ते के साथ हम इसको सर्व करेंगे उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे इडली के साथ दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो आटा मैंने रखा था उसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, और कितना हल्का सा टाइट हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं हुआ है, क्योंकि सूजी फूलने के बाद हल्का सा ये हार्ड हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे और मसल मसल के थोड़ा सा चिकना करेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा तेल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से इसका हम छोटा सा भाग लेंगे और इसको हम नींबू के आकार का लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और इसको हम बढ़िया तरीके से गोल करने के बाद ये देखिए गोल कर लेंगे, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। और अपने फिंगर को हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको निकाल लेंगे, ये देखिए ये शेप हम रखेंगे इसका। तो देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से लेना है, अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं हाथों में, और फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से फिंगर से इस तरह से कर देंगे। तो चलिए सारे तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला बर्तन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आप चाहे तो घी और बटर भी लगा सकते हैं। तो 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे और इसको हम अच्छे से हाथों से ग्रीस कर रहे हैं, आप चाहे तो ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे हमें इसको थोड़ी सी दूरी पे लगाना है, ये देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको लगाएंगे। इसीलिए मैंने इस तरह से बड़ा सा बर्तन लिया है, और आप भी बड़ा बर्तन लें। तो मैं बिना इसे स्टीमर के स्टीम करके दिखाऊंगी आपको, कैसे आप लोगों को बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए पानी को गर्म होने के लिए मैंने कवर करके रख दिया है, ताकि ये फटाफट गर्म हो जाए और गैस की बचत भी हो जाती है कवर करने से, ये देखिए। अब चलते हैं इसको स्टीम करते हैं। तो फ्रेंड एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया, इसके अंदर हमने 3 से 4 गिलास पानी रखा है, और पानी जब हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर ये रख देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। तो कढ़ाई में अगर आप स्टीम करें तो स्टैंड रख के करें, और मुझे यहाँ पे स्टैंड की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसके ऊपर रख दिया। आप इसको कवर करके हम 5 मिनट तक स्टीम करेंगे अच्छे से। तो चलिए 5 मिनट हम बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं इसे स्टीम होते होते, अब मैं देखूंगी इसे चेक करके। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसे स्टीम होते हुए, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, तब इसको खोलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा भाप लग कर लगी है इसमें से। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए कितने जल रहे हैं, और ये देखिए
अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ऑयल अच्छे से लगाया होगा तो देखिए इस तरह से ये निकल जाएंगे। देखिए कितने प्यारे कितने अच्छे से तरीके से स्टीम हुए। तो अब मैं इसको फटाफट निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने निकाल लिया है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से कुक हुए हैं और कितने गर्मा गर्म है। आप इसे फटाफट चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं अगर आप ऑयल का नहीं खाते। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी, थोड़ा सा ऑयल में इसे हम और ज्यादा देखने में सुंदर बनाएंगे और खाने में और ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ फटाफट। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच तेल लिया जिसमें हम राई डाल देंगे और इसमें अब हम कड़ी पत्ते डालेंगे जो हमने इस तरह से कट कर लिए हैं फ्रेश वाले। और यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, बिल्कुल नाम मात्र का, ज्यादा नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और तीनों चीजों को मैं अच्छे से चटकने दूंगी। और अब हमारी तैयार जो नाश्ता था वो हम इसके अंदर लगा देंगे। ये देखिए तो बहुत ही कम ऑयल में ये भी बन गया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा धीमे धीमे आंच पर पका लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड देखिए ये रेडी हो चुका है। मैंने इसको धीमे धीमे आंच पर अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पका लिया है और कितना प्यारा लुक लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको फटाफट सर्व करती हूँ चटनी के साथ, जो इसके साथ बहुत ही अमेजिंग लगेगी वो वाली चटनी जो मैंने बनाई है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा हेल्दी है। ये देखिए इस तरीके से आप चटनी में इसे डीप करके खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी जल्दी से वो भी बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को इस बार जरूर ट्राई करना, यानी इस दिवाली में जरूर ट्राई करना। पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी इसे एंजॉय करना और शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी आसान रेसिपी के साथ, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी है, चटनी दोनों में से किसको आप ज्यादा वोट देंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। आप इसे लंच बॉक्स में टिफिन बॉक्स में भी खा सकते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान रेसिपी के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।